हेलो बच्चों, माय सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जाधव, वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो अभी ये रेजोनेंस क्या रहता है, देखो बच्चों, रेजोनेंस जो रहता है, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ पहले रेजोनेंस का। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं मोबाइल पे, तो देखो रेडियो के स्टेशन क्या रहते हैं, 91.1, 92.7, 93.5, बराबर है। तो 93.5 को मेरे को ट्यून करना है, तो 93.5 को जब भी फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगा तो आपका गाना सुनने को आता है। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। जो 93.5 है वो दैट इज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज डिजाइन बाय एफएम रेडियो स्टेशन। और जो हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं 93.1, 93.2, वो रहता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो 93.4 को देखो आपको आवाज नहीं आ रहा, फ्लिकरिंग होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है। जब भी 93.5 जब भी आता है तभी आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाता है उसके कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या होता है, आपको गाना सुनने को होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, दैट इज XL इक्वल टू XC, मतलब इट इज अ रेजोनेंस, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। सो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल टीवी, टीवी में जो चैनल्स रहते हैं, देखो चैनल्स की जब भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी आपको पिक्चर दिखता है। चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो वो देखो फ्लिकरिंग होती है, मुंगे मुंगे रहता है, फ्लिकरिंग होता है, तो वो दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी उसकी मैच नहीं होती है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी आपको पिक्चर दिखाई देता है। दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में हम लोग सब उसके पैरामीटर्स देखने वाले हैं, लाइक वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड सो ऑन, बिहेवियर ऑफ आरएलसी विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये सब पैरामीटर हम लोग देखेंगे सीरीज रेजोनेंस के, सेम देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस के, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आ जाओ, फर्स्ट व्हाट इज रेजोनेंस, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनम इन मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आपको मैंने बताया, रेडियो में, टीवी में इसका यूज होता है। द स्टडी ऑफ रेजोनेंस इज वेरी यूजफुल इन द टेली कम्युनिकेशन फील्ड, बराबर। सो ए सर्किट कंटेनिंग रिएक्टेंस इज सेड टू बी रेजोनेंस इफ द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज इन फेज विद वोल्टेज करंट थ्रू इट। मतलब इज इन फेज मतलब देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो इट इज लाइक ए सेम एज प्योर रजिस्टर, इट बिहेव सेम एज प्योर रजिस्टर सर्किट। तो इसमें इन फेज मतलब उसमें इन फेज का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम लाइन पे दोनों भी रहेगा वोल्टेज एंड करंट। So at resonance, the circuit behaves as a pure resistor and net reactance is zero. So this is nothing but what? Introduction or definition of resonance. सबको आपको question पूछा, define the following terms with respect to resonance. तो ये आप उसमें definition दे सकते हो for presentation, presentation अच्छा रहने के लिए। Now come to first para, first circuit, first type that is called series resonance. So consider the series RLC circuit as shown in figure. देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एसी सिग्नल V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसका इंपीडेंस क्या रहता है, जेड आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी, ये तो आपको मालूम है। सो इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज व्हाट, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। सो एट रेजोनेंस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। देखो रेजोनेंस कभी आता है सीरीज आरएलसी सर्किट में, जो मैं तीन कंडीशंस कंसीडर करता हूं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, XC is greater than XL और XC equal to XC। जब भी XL equal to XC होता है तो वो क्या रहता है, resonance का condition रहता है। तो जब भी XL equal to XC इसमें आएगा तो ये zero हो जाएगा, that's why Z is purely resistive। तो ही लिखा देखो, at resonance the circuit is purely resistive, so XL minus XC equal to zero, so XL equal to XC। देखो ये resonance का condition हो गया। तो what is XL का formula, omega L, अभी ये resonance frequency इसके लिए omega 0 into L। What is XC? 1 upon omega 0 into C। Now, ये omega 0 इधर आया तो omega 0 into omega 0 is omega 0 square equal to L, इधर आया तो 1 upon LC। Now, what is omega? 2 pi F, पर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो ये रहेगा 2 pi FR, FR मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। Omega 0 का square है, तो उधर क्या आएगा, 2 pi FR का square equal to 1 upon LC। So, इसका square कितना आएगा, 4 pi square FR square, ये 4 pi square इधर shift किया मैंने, तो divide हो जाएगा। So, what is FR square? 1 upon 4 pi square LC, taking square root on both sides. So what is FR? 1 upon 2 pi into under root of LC. Question आता है, derive the resonance frequency of series circuit. तो क्या आया FR? 1 upon 2 pi root LC. ये हो गया FR of series resonance circuit. Now come to next, power factor. अभी power factor का formula क्या रहता है? PF is equal to cos phi, which is equal to R by Z.
Now at resonance आपको z equal to r मिला because ये zero हो गया, तो at resonance z equal to r, so z को मैंने r लिखा तो r by r cancel होके pf क्या रहेगा always one, power factor always कितना रहेगा इसका one, देखो purely resistor में भी power factor कितना आता है one आता है, so that's why it is same as purely resistive circuit, तो इसका power factor कितना आएगा one, ये हो गया second parameter, now come to third parameter which current, since impedance is minimum the current is maximum at resonance. Now current का formula क्या रहता है? I0 is V upon Z, but at resonance Z equal to R, तो I0 क्या आएगा? V by R. I0 is V by R. Then next is voltage. Now at resonance, what is the condition? Omega 0, XL equal to XC. तो XL मतलब क्या रहता है? Omega 0L. XC क्या रहता है? 1 upon Omega 0C. दोनों को मैंने current से multiply किया, तो इधर आएगा I0 into Omega 0L. मतलब क्या हो गया I0 into XL मतलब क्या हो गया वोल्टेज I into Z, तो वोल्टेज मतलब I0 into XL equal to I0 into XC, तो ये आएगा V0L equal to V0C, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसल टू ईच अदर, सो ऑल्सो सिंस I0 इज मैक्सिमम so VL0 and VC0 is also maximum, so the voltage magnification takes during resonance, that's why it is also referred as voltage magnification circuit, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं voltage magnification circuit, उसके बाद है next phasor diagram, so phasor diagram of series resonance circuit is देखो ये VR है current है in phase है VL और VC cancel हो जाएगा एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है cancel हो गया तो आपको phasor diagram कैसे मिलेगा same as pure R circuit, same line पर रहेगा, that's why मैंने starting में बोला था ना, is in phase with voltage and current, मतलब there is no difference between voltage and current, so phasor diagram straight line रहेगा, देखो, this is a straight line, now next parameter is what, behavior of RLC with change in frequency, frequency change किया, तो RLC के ऊपर क्या हो जाएगा, so resistance का कुछ relation नहीं है frequency के साथ, so resistance remains constant with change in frequency, so and XL, XL क्या रहता है, 2 pi FL, so XL is directly proportional to frequency, so it can be drawn as straight line passing through origin, and XC, XC मतलब 1 upon 2 pi FC, so XC is inversely proportional to the frequency, so it can be drawn as rectangular hyperbola in the fourth quadrant, so this is the behavior of RLC, देखो, ये Z है, तो इसका resistance के कुछ मतलब नहीं है, इधर ये आपका जो है, ये frequency है, this is your frequency, so it is directly proportional, मतलब XL straight line आया, R का कुछ मनी नहीं, तो straight line, constant आया, और XC is hyperbola है, right? Then next is change in frequency. Suppose मैंने मेरा FR जो है resonant frequency और frequency normal frequency, ये normal frequency less than FR आया, तो impedance is capacitive in nature और उसका power factor क्या रहेगा? Leading रहेगा. Then when F is equal to FR आया, F is equal to FR, then impedance is resistive and उसका power factor क्या रहेगा? One मतलब unity रहेगा. And when F is greater than FR रहेगा तो इंपीडेंस इज इंडक्टिव इन नेचर एंड पावर फैक्टर इज लैगिंग, तो ये भी आता है कि बिहेवियर ऑफ आरएलसी विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है वो एक्सप्लेन करो, क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पैरामीटर व्हिच इज बैंडविड्थ. नाउ व्हाट इज बैंडविड्थ का डेफिनेशन फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर व्हिच पावर डिलीवर्ड टू आर, पावर डिलीवर्ड टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी जीरो बाय टू, where what is P0? Power delivered to R at resonance. So bandwidth का formula आता है in terms of omega. In terms of omega, formula is omega 2 minus omega 1 which is R by L. And in terms of frequency रहेगा, तो what is bandwidth? R upon 2 pi L. ये ध्यान में रखो, bandwidth का formula R upon 2 pi L. Where F1 and F2 are boundary frequency which is also called as half power points. F1 and F2 are called as half power points. तो उसके बीच में ये दोनों के बीच में आपका बैंडविड्थ लाइज होगा और उसके बीच में आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा, तो व्हाट इज F1 FR minus R upon 4 pi L एंड व्हाट इज F2 FR plus R upon 4 pi L, तो ये फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस सर्किट. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वालिटी फैक्टर. अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर? इट इज अ मेजर ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो इसका दूसरा डेफिनेशन है, इट इज आल्सो ए मेजर ऑफ सिलेक्टिविटी और शार्पनेस ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो व्हाट इज Q0? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज एट रेजोनेंस. तो VL0 / V और VC0 / V, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया
तो VL0 से किया तो क्या आएगा, VL0 is I0 into XL0 upon I0 into R. I0 I0 cancel, so XL0 upon R. What is XL? Omega 0 L upon R. So substituting value of omega 0. What is omega 0? 1 upon root LC into L upon R. So L upon root L, मतलब ऊपर root L बचेगा और नीचे root C. फॉर्मूला आएगा Q0 का 1 upon R into under root of L by C. This is nothing but formula of quality factor. Is that clear? तो ये था parameters based on series resonance circuit. क्या क्या था? Resonance frequency formula FR equal to 1 upon 2 pi root LC. Second क्या था? Power factor. It is 1. Next क्या था? Current. I0 is V upon R. Next क्या था? Voltage. Voltage at resonance. VL equal to VC होता है. Voltage at inductor equal to voltage at capacitance. Then उसके बाद क्या देखा था? Behavior of RLC. R में उसका कोई relation नहीं तो it is constant. Inductor directly proportional. Capacitor inversely proportional to frequency. Then F0, F0, FR equal to F रहेगा तो impedance is in resistive. FH, F is less than रहेगा तो capacitive, greater रहेगा तो inductive. Right है? उसके बाद next देखा bandwidth. Bandwidth का formula R upon 2 pi L. Where F1, F2 का formula FR minus R upon 2 pi L. FR plus R upon, sorry, 4 pi L. Right? And then quality factor is Q0 is 1 upon R into under root of L by C. So this is nothing but what? Parameters based on series resonance circuit. समझ में आया बच्चों? तो इधर हम लोग स्टॉप करेंगे, इसके बाद में इसके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट देखने वाले हैं. ठीक है, चलो ये वीडियो हम लोग स्टॉप करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.